सर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर आप काफी इंटरेस्टेड हैं सर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स पाइल अप हुई है सर, उसको टाइट करा रहा हूं मैं, एक ऐप बनवा रहा हूं जिसमें हर फाइल का ही पता रहेगा वो कहां है और कितने दिन से। सर बिजनेस ने केसेस प्रूव किए लेकिन उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं सर। नेशनल हाईवे के बारे में सर, जी सर नेशनल हाईवे हमने भी बोला कि कोई बैन नहीं है सर, उस वाले से जानना चाहिए। नेशनल हाईवे पे बैन नहीं है, सिर्फ वो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो। एक तो सर यात्रियों के लिए कोई खास मैसेज जो आप देना चाहेंगे, और दूसरा ये कुछ पॉजिटिव बात आप करना चाहें क्योंकि आप हमेशा दिल से बात करते हैं। पॉजिटिव बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये खूबसूरती यही है कि दो यात्राएं साथ चल रही, रोज हाजी भी निकल रहे हैं और रोज ये अपने यात्रा भी आ रही है और सब पीसफुली लोग अरेंज कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। पहले मुझे पता चला था कि लोगों का सामान बिकता था रूट के साथ साथ, तो मैंने निर्देश किया कि कैंप में आप दुकानें लगवा दें ताकि लोगों का सामान बिके, वो हो रहा है। और सब टोटल रिपोर्ट जो अफसरों से मिलती है, इसके अलावा मैं जो लोग होते हैं उनसे भी मिलता हूँ, अभी तक लोग बहुत खुश हैं। आप देखते भी होंगे जो लोकल टीवी वगैरह बोलते हैं लोग, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, पर आखिर दिन तक ठीक सब गुजर जाए। और पॉजिटिव बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लेकिन यात्रा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कराती है, यात्रा लोकल लोग कराते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों होते हैं, उनकी मेहनत से यात्रा कामयाब होती है। और मैं श्योर हूँ कि इस बार यात्रा कामयाब होगी और जो हाजी जा रहे हैं उन पर भी अल्लाह करम फरमाएगा, सब दोनों की यात्रा कायम। मेजर एलिमेंट सर हार्ट हाइपरटेंशन रहता है, उसके बाद इंजरीज का आता है, उसके बाद डायबिटीज, सारे किस्म के पेशेंट आते हैं।